बीकानेर तो हम कल ही आ गए थे और आपको होटल का भी हमने फोटो दिखाया था। तो आज सुबह सुबह हम आए हैं जूनागढ़ किला और ये है एंट्री गेट, यहाँ से हमने एंट्री किया है। ऐसे एंट्री तो लंबी है, इसकी बहुत सारी गेट है। और फ्रेंड्स हम अभी किले के पास आ गए हैं बीकानेर, और बीकानेर के अंदर आ गए हैं और यहाँ अलाउ नहीं है वीडियोस बनाना। तो वीडियोस तो हम लोग बना रहे हैं, छोटा छोटा क्लिप करके बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तो आपको भी दिखाएंगे ही। बट यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए हमारी आवाज़ जो है आपको बहुत ही डिम दिखेगी वीडियोस में, तो उसके लिए सॉरी है। बट आप वीडियोस को पूरा इंजॉय कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फ्रेंड्स ये जूनागढ़ किला बहुत ही खूबसूरत है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाई गई है और इसकी स्टेब्लिश राजा रायसिंह ने किया है, जो कि हम यहाँ पढ़ पा रहे हैं 1589 में। और इसमें बहुत सारे महले भी हैं, करण महल, अनूप महल, गज महल, फूल महल और चातर महल, ये सब महल है इसके अंदर। और एक बहुत ही पुरानी मंदिर भी है जो यहाँ के शाही राजाओं द्वारा पूजा किया जाता था उसमें। और ये 37 बुर्जों से पूरा घिरा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें अंदर जाने के लिए टिकट्स लेना होगा, वो गेट के अंदर जाने का 100 रुपीज़ टिकट्स इन्होंने रखा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, बाहर से तो हमने देख लिया है, अब देखते हैं अंदर और कितनी खूबसूरत है।
फ्रेंड्स हम आ गए हैं अभी सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर कैमल नेशनल रिसर्च सेंटर। यहाँ पे हर नस्ल के कैमल आपको देखने को मिलेंगे और उस पर रिसर्च करने को रिसर्च सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे हर नस्ल के कैमल पे रिसर्च होता है और यहाँ पे आप कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैमल राइडिंग, अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी करेंगे और आपको दिखाएंगे। बीकानेर के सेकेंड सॉरी थर्ड साइट सीन की ओर, जहाँ पे हम आए हैं रामपुरिया हवेली। ये हवेली बहुत ही खूबसूरत है और एकदम शाही हवेली की तरह है। शाही हवेली की तरह है क्या? शाही हवेली ही है
और इसको एक सेकेंड में बैक करके दिखाती हूँ। इसको 15वीं शताब्दी में बालुअर चलवा ने अमीर व्यापारी और उसके परिवार के लिए शाही हवेली बनाने का आदेश दिया था। ये पूरी हवेली है, हालांकि 1920 के बाद से ये होटल में तब्दील हो गया है, लेकिन इसका लुक अभी भी ऐसा ही रखा गया है। लुक में कोई चेंजेस नहीं है।